स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.4 का फोर्थ सम है, ठीक है, बहुत ही आसान है, प्यारा सम है। तो क्या कहता है, कहता है 12x² - 7x + 1 का फैक्टराइज कर दो, ठीक है, हमें फैक्टर निकालने हैं इनके, ठीक है, तो चलो निकालते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है इसमें देखना थोड़ा ध्यान से, ठीक है, तो जो सॉल्यूशन है पहला कर रहा हूं मैं 12x² - 7x + 1। देखो सबसे पहले क्या करना होता है, आपको जो यहां पे 12 दिया गया है 12 और ये लास्ट, ठीक है, मतलब जो x का कोफिशिएंट है, ठीक है, और जो लास्ट वाला टर्म होता है c जो कांस्टेंट होता है, इन दोनों को करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई, इन दोनों को आपस में क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है, जो मल्टीप्लाई करके आता है जैसे मैंने कर दिया 12 × 1 इसके मैंने मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आ गया मेरे पास 12। अब 12 के क्या बनाने हैं, हमने फैक्टर बनाने हैं, ठीक है, स्टार्ट हो जाओ 1 से, 1 के टेबल पे 12 आता है, यस 12 पे 12 आ रहा है, उसके बाद 2 पे 12 आता है, हाँ आता है 2×6 = 12, उसके बाद क्या 3 पे 12 आता है, हाँ आता है 3×4 = 12, उसके बाद क्या 4 पे 12 आता है, 4×3 = 12, क्या 5 पे आता है, नहीं आता, क्या 6 पे आता है, 6×2 = 12, ठीक है। तो आप यहां पे एक चीज देख पा रहे हो क्या, ये 3×4 के बाद 4×3 = 6 फिर से रिपीट होने लगे, मतलब यहां तक तो ठीक था, उसके बाद फिर से ऊपर को देखो ये 6 था, यहां यहां 2 6 यहां 6 हो गया, अब आगे क्या होगा 12×1 = 12 हो जाना है, ठीक है, तो मतलब ये दोनों को तो जरूरत नहीं है, सेम ही चीज है, ठीक है, तो मतलब यहां तक देखना आपको। अभी क्या है, आपके फैक्टर बन गए यहां पे 1×12 = 12, 2×6 = 12, 3×4 = 12। अब ध्यान से देखना करना क्या होता है, हमें ये 7 लेकर आना होता है, मतलब जैसे 5 है फॉर एग्जाम्पल, ये 5 है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2+5 2+3 = 5 लिख सकता हूं ना, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 7 - 2 = 5 लिख सकता हूं, मतलब मैंने क्या करना है, सेंटर वाली रकम को ही तोड़ देना है, जैसे मैंने 5 को तोड़ा, 1 तोड़ा 2+3 में, इसको मैं 7 - 2 में भी लिख सकता हूं, इसको मैं 12 - 7 भी लिख सकता हूं, 5 ही आना है, ठीक है, तो इस तरह से मैंने करना है, सेंटर रकम को तोड़ना है, पर तोड़ना कैसे है ये बात समझ में आनी चाहिए। तोड़ने के लिए हमने पहले तो मैंने आपको बताया एक्स का कोफिशिएंट जो होगा और लास्ट वाले टर्म को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है इसके बना लो फैक्टर, जैसे 1 और 12 2 और 6 3 और 4, तो टूटा हुआ है यहाँ पे, तो 12 में से एक प्लस करना है या माइनस करना है, लेकर कितना आना है यहाँ पे, -7 लेकर आना है, ठीक है, चाहे आप प्लस करके लेकर आओ चाहे आप माइनस करके लेकर आओ, जैसे 12 है ना और एक माइनस करोगे तो 11 आता है, अगर 12 में एक प्लस करोगे तो 13 आता है, तो हमें माइनस ये नहीं है। उसके बाद 2×6 = 12, ठीक है, फैक्टर है, तो अगर 6 में से 2 माइनस करोगे तो कितना आता है 4, यहां 7 है, अगर 6 में 2 प्लस करोगे तो कितना आता है 8, तो यहां 7 है, ये भी नहीं आ रहा, ठीक है। उसके बाद 3 और 4 है, अगर मैं 3 और 4 को प्लस करता हूं तो कितना आता है 7 आता है, हाँ ये हमें चाहिए, ठीक है, बट यहां पे ध्यान देना आप -7 है तो -7 चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूं क्या करना होता है। जैसे 12x² है, मैंने एडिट लिख लिया, तो अब -3x - 4x, ये 3 और 4 को माइनस माइनस में लूंगा, क्यों, क्योंकि -3 - 4 क्या होगा प्लस होगा और साइन कौन सा माइनस, मतलब -3 - 4 का प्लस करते हो तो क्या आता है -7 आता है, दी 7 बन गया ना, मतलब -7 को -3 - 4 लिख सकता हूं मैं, जैसे यहां पे देखो -7 = -3, ठीक है, और -4 = क्या होगा -7 ही होगा। उसके बाद क्या हमारे पास +1, यहां तक बात समझ में आती है, ठीक है। अब क्या करना होता है, ये दो नंबर लेने होते हैं और ये दो नंबर लेने होते हैं, ठीक है, इन दोनों में से क्या निकालना होता है, कॉमन निकालना होता है, कॉमन, चलो मैं कॉमन निकालना आपको सिखा देता हूं, जैसे कौन सी टर्म इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है, तो अगर 12 की बात करें, क्या मैं 12 कैसे लिख सकता हूं, 3×12 x², ठीक है, -3x - 4x + 1, ठीक है, अभी तो आप लो लेवल पे जा रहे हो तो इस तरह से मैं बता रहा हूं, अभी अब जब सीख जाओगे तो डायरेक्ट करना है आपने, ठीक है। तो देखो यहां पे इसमें भी 12 में भी 3 आ रहा है, यहां भी 3 है, तो क्या मैं 3 को बाहर निकाल सकता हूं, तो देखो यहां पे क्या किया मैंने, 3 को बाहर निकाल लिया, जब यहां से मैंने 3 को बाहर निकाल लिया बचा कितना मेरे पास, 3 को नहीं, एक्स इसके अंदर भी है, एक्स इसके अंदर भी, तो मैंने एक्स भी बाहर निकाल लिया, ठीक है, तो मतलब मैंने क्या किया,
थ्री एक्स को बाहर निकाल लिया, यहाँ बचा कितना 4x स्क्वायर था ना, 1x तो मैंने बाहर निकाल लिया, बचा कितना अंदर 4x, ये साइन कौन सा है माइनस का, यहाँ पे 3x तो मैंने बाहर निकाला ही हुआ है, बचा कितना फिर यहाँ पे 1, आई बात समझ में। अब देखो यहाँ पे क्या माइनस का साइन लगा दिया मैंने, अब यहाँ पे क्या है 4x अंदर क्या बता, यहाँ पे देखो 4x प्लस 1 में कुछ कॉमन निकाल सकते हो, कुछ नहीं होगा 1 ही कॉमन होगा, तो 4x बचा और माइनस का 1 बचा। अब इस चीज का ध्यान देना, जहां पे प्लस है यहाँ पे माइनस क्यों लगाया मैंने, ठीक है, यहाँ पे माइनस लगाने का रीजन क्या है मेरा, अब ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे मैंने माइनस लगाया है, अगर देखो मैं कहता हूँ माइनस 4x, सॉरी यहाँ पे करता हूँ कर देता हूँ इधर जगह है, ठीक है, माइनस 4x माइनस 1, अगर मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व करूं तो क्या मेरे पास 4x प्लस 1 आता है, देखो माइनस 4x को माइनस मल्टीप्लाई किया तो कितना आया माइनस 4x, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस का 1, तो क्या बन गया माइनस 4x प्लस 1, माइनस 4x प्लस 1 मतलब जो स्टेटमेंट मैंने यहां लिखी है वो सही लिखी है। एक और अच्छा सा तरीका बताता हूं, जो ब्रैकेट में यहां पे होगा अंदर, ठीक है, सेम वही ब्रैकेट में यहां भी अंदर आएगा, ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखना। अभी क्या करते हैं हम लोग, इसके बाद देखो ये 3x है, ये माइनस है, तो इस माइनस 1 मतलब यहाँ पे 1 होता है, जब कुछ नहीं होता तो 1 मानते हैं, तो क्या करेंगे इसको हम लोग कॉमन निकाल लेंगे, मतलब इसको एक ब्रैकेट में लिख लेना हमने, जैसे 3x ये माइनस का 1 मैंने कहा एक ब्रैकेट में लिख लिया हमने, उसके बाद 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 होता है, इसको हम लोग एक बार लिखते हैं 4x माइनस 1, ठीक है, तो ये दो फैक्टर हमारे पास रहे, ठीक है, इस पॉलीनोमियल के बाद 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 के दो फैक्टर ये रहे, एक 3x माइनस 1, एक 4x माइनस 1, बहुत ही आसान सम था, ठीक है, फर्स्ट टाइम है, थोड़ा सा टाइम लगता है सीखने को, ठीक है, तो इसमें डरना नहीं है आपको, बहुत ही आसानी से हो जाएगा, ठीक है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। चलो ये सब देखते हैं, ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप ध्यान से देना, अगर ये स्टेप समझ में नहीं आया, कहीं ना कहीं गैप रह गया, तो आप इसको देखो ध्यान से, ठीक है, अगर जिसको ये समझ में आ गया है वो तो अपने बार एक बार खुद ट्राई कर ले, जिसको नहीं समझ में आया है वो यहाँ पे मेरे साथ एक बार फिर से देखे ध्यान से, क्या कहना है आपको करना है, जो x का कोफिशियंट होगा मतलब 2 और जो लास्ट वाली टर्म होगी 3, इन दोनों को कर देना है मल्टीप्लाई, इन दोनों को क्या कर देना है मल्टीप्लाई, 2, 3 को क्या करना है आपने मल्टीप्लाई, तो देखो यहां पे करता हूं मैं आपका, ठीक है, इसको 2 and 3 का मैंने कर दिया मल्टीप्लाई, 2 and 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया मेरे पास 6 आ जाता है। अब लेकर कितना आना है मैंने यहां पे 7 लेकर आना है, तो मैंने क्या कहा 6 के कैसे करने हैं, 1 से स्टार्ट हो जाओ, 1 6 द 6, 6 ही आना चाहिए, 2 3 द 6, ठीक है, तो 4 पे आगे जाता ही नहीं है, तो यहीं पे कहानी खत्म हो जाती है, मतलब इन्हीं दो को हम लोग तोड़ सकते हैं, जैसे 7 है, 7 को तोड़ना है तो 1 या 6 में तोड़ सकते हैं, 2 एंड 3 में तोड़ सकते हैं, और कोई चारा नहीं है, तो 7 एक्स है, ठीक है, 7 एक्स को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 प्लस 6 7 हो जाता है, लो पहले ही बन गया मेरे पास 1 इंटू 6 का फैक्टर पहले ही बन गया है, मतलब 2x स्क्वायर ये लिख लो पहले, उसके बाद प्लस 1x प्लस 6x प्लस 3, मतलब 6 में 1 प्लस किया 7x आ जाता है, और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करके आया है जैसे 6 तो ये भी आना चाहिए, ठीक है, प्लस माइनस करें तो ये सेंटर वाली रकम आई, अगर मल्टीप्लाई करें तो ये वाली नंबर आना चाहिए, ये वाला नंबर, ठीक है, तो चलो अब ये बन गया, आप क्या करना है हमने इसमें से और इसमें से कॉमन निकालना होता है, चलो निकाले कॉमन, 2 इसमें से कॉमन क्या निकाल सकते हो आप लोग, यहां भी x है यहां भी x है, तो मैंने यहां पे x कॉमन निकाला, क्या निकाला x कॉमन निकाला, यहां पे कितना बचा 2, यहां पे x स्क्वायर था तो क्या बचा x, ठीक है, यहां पे प्लस x हमने बाहर निकाला हुआ है तो बचा क्या मेरे पास 1, ठीक है, अभी देखो x बाहर निकालने का मतलब क्या है, जब x को 2x से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास 2x स्क्वायर आ जाएगा, मतलब जब इस नंबर को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें तो यही स्टेटमेंट हमारे पास बननी चाहिए, जैसे देखो x को 2x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 2x स्क्वायर प्लस x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया x 1x, ठीक है, उसके बाद ये देखो प्लस का साइन है, अब क्या है यहाँ पे कॉमन 6x है और 3 है, तो क्या 3 6 के पहाड़े में आता है टेबल में आता है, यस आता है, तो यहाँ पे मैं 3 भी कॉमन निकाल सकता हूँ, 3 मैंने क्या किया कॉमन निकाला, बचा क्या यहाँ पे बच्चे 2, 3 2 6,
ध्यान से ध्यान, 3 × 6 2x और प्लस 3 तो बाहर निकाला है, बचा कितना 1। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कॉमन निकालने में डिफिकल्टी आ रही है, ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा थोड़ा सा। अभी एक चीज का ध्यान रखना, 2x + 1 2x + 1 ये दोनों सेम ही आएंगे हमेशा, ठीक है। उसके बाद देखो जो x है और प्लस 3 है, इसको एक ब्रैकेट में लिख लो, x प्लस 3 को एक ब्रैकेट में लिख लिया मैंने, उसके बाद 2x + 1 को एक ब्रैकेट में लिख लिया मैंने, ठीक है। तो ये क्या बन गया, x प्लस 3 2x + 1 ये बन गए फैक्टर, किसके, इसको हमने फैक्टराइज कर दिया, 2x² + 7x + 3 का ये फैक्टर्स हमने निकाले हैं। एक है हमारे पास x प्लस 3, एक हमारे पास 2x + 1।